हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे वीके स्पेशल यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा जियो की सिम की कॉल हिस्ट्री कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास जियो की सिम है और आप जियो की सिम की पूरी कॉल हिस्ट्री को निकालना चाहते हो कि किस किस नंबर से आपके पास कॉल आया है, किस किस नंबर से आपने कॉल किया है, आप पूरी कॉल हिस्ट्री कैसे निकालोगे, मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करना। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना होगा, तो गाइस सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है और सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और आपको सर्च करना है माई जियो ऐप। जैसे आप माई जियो ऐप को सर्च करोगे तो आपको माई जियो एप्लीकेशन को कर लेना है डाउनलोड। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर को इंटर कर देना है। जैसे कि मैं अपने मोबाइल नंबर को इंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। और जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे, आपके सामने एक ऑप्शन आएगा अलाउ वाला, आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको डाल देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। अब आपको कैसे कॉल हिस्ट्री निकालना है, तो कॉल हिस्ट्री को निकालने के लिए आपके सामने मेन्यू वाला एक ऑप्शन आएगा नीचे की तरफ, तो आपको इधर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। इधर पर भी आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसा कि आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इधर पर एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा स्टेटमेंट का, तो आपको क्लिक करना होगा। मैं आपको हाईलाइट करके भी बता रहा हूँ, तो आपको स्टेटमेंट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप स्टेटमेंट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और ऊपर की तरफ आपके सामने बोला जाएगा कि आप मिनिमम 30 दिन तक की हिस्ट्री निकाल सकते हो। तो इधर पर आप 7 दिन की निकालना चाहते हो तो आप 7 दिन पर टिक करोगे। अगर आप 15 दिन की निकालना चाहते हो तो आप 15 दिन पर भी इधर पर टैप कर सकते हो। अगर आप 30 दिन की निकालना चाहते हो तो आप 30 दिन की भी टैप कर सकते हो। तो मैं निकालूंगा 7 दिन की अपनी कॉल हिस्ट्री, तो मैं 7 डे पर क्लिक करूंगा। उसके बाद अपनी कॉल हिस्ट्री को आप ईमेल पे लेना चाहते हो या फिर आप डाउनलोड करना चाहते हो या फिर व्यू स्टेटमेंट आप देखना चाहते हो, तो मैं व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करूंगा। और व्यू स्टेटमेंट वाले ऑप्शन में फिर नीचे की तरफ आप इनको क्लिक कर देना है। जैसे अपन क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ लोडिंग्स होगी और इस तरह का इंटरफेस वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। इधर पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा यूजिंग, तो आपको इधर पर क्लिक करना है। और इधर पर आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, डाटा का, वॉइस का, SMS का, तो आपको वॉइस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। और आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन आएगा क्लिक हेयर का, तो आपको क्लिक हेयर वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक हेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपके सामने इधर पर पूरी की पूरी कॉल हिस्ट्री आ जाएगी, आप इधर पर देख सकते हो। तो मैंने अपने जो है पर्सनल नंबर है तो मैंने इनको ब्लर करके रखा है, तो आप इस तरह से पूरी कॉल हिस्ट्री को निकाल सकते हो। आप चाहो तो 30 दिन तक की पूरी कॉल हिस्ट्री को निकाल सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। Thanks for watching. Bye bye.